पैदाइश की किताब उसका पांचवा बाब। ये आदम का नसब नामा है। जिस दिन खुदा ने आदम को पैदा किया तो उसे अपनी शबी पर बनाया, नर और नारी उनको पैदा किया और उनको बरकत दी। और जिस रोज वो खल्क हुए उनका नाम आदम रखा। और आदम 130 वर्ष का था जब उसकी सूरत और शबी का एक बेटा उसके यहाँ पैदा हुआ। उसने उसका नाम सीत रखा। और सीत की पैदाइश के बाद आदम 800 वर्ष जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। और आदम की कुल उम्र 930 वर्ष की हुई तब वो मरा। और सीत 105 वर्ष का था जब उससे अनूस पैदा हुआ। और अनूस की पैदाइश के बाद सीत 800 वर्ष तक जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। और सीत की कुल उम्र 912 वर्ष की हुई तब वो मरा। और अनूस 90 वर्ष का था जब उससे केनान पैदा हुआ। और केनान की पैदाइश के बाद अनूस 815 वर्ष जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां हुईं। और अनूस की कुल उम्र 905 वर्ष की हुई तब वो मरा। और केनान 70 वर्ष का था जब उससे महललेल पैदा हुआ। और महललेल की पैदाइश के बाद केनान 840 वर्ष जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। और केनान की कुल उम्र 910 वर्ष की हुई और तब वो मरा। और महललेल 65 वर्ष का था जब उससे यारद पैदा हुआ। और यारद की पैदाइश के बाद महललेल 830 वर्ष जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। और महललेल की कुल उम्र 895 वर्ष की हुई तब वो मरा। और यारद 162 वर्ष का था जब उससे हनूक पैदा हुआ। और हनूक की पैदाइश के बाद यारद 800 वर्ष जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। और यारद की कुल उम्र 962 वर्ष की हुई तब वो मरा। और हनूक 65 वर्ष का था जब उससे मतूसला पैदा हुआ। और मतूसला की पैदाइश के बाद हनूक 300 वर्ष तक खुदा के साथ साथ चलता रहा और उसके बेटे और बेटियां पैदा हुईं। और हनूक की कुल उम्र 365 वर्ष की हुई और हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा और वो गायब हो गया क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया। और मतूसला 187 वर्ष का था जब उससे लमक पैदा हुआ। और लमक की पैदाइश के बाद मतूसला 782 वर्ष जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। और मतूसला की कुल उम्र 969 वर्ष की हुई तब वो मरा। और लमक 182 वर्ष का था जब उससे एक बेटा पैदा हुआ और उसने उसका नाम नू रखा और कहा कि ये हमारे हाथों की मेहनत और मुशक्कत से जो ज़मीन के सबब से है जिस पर खुदा ने लानत की है हमें आराम देगा। और नू की पैदाइश के बाद लमक 595 वर्ष जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। और लमक की कुल उम्र 777 वर्ष की हुई तब वो मरा। और नू 500 वर्ष का था जब उससे सिम और हाम और याफ्त पैदा हुए।